बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक ऑफ लेक्चर इज फाइलम एनालिडा की मेटामेरिज्म और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो फर्स्टली मैंने एक की पॉइंट के तौर पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको, जिसमें पहला है डायग्राम, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप टू अदर्स, हाइपोथेसिस, क्लासेस, इंट्रोडक्शन विद डायग्राम्स, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये हमने आज इनके की पॉइंट्स हैं जो आज हम लोगों ने इसमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो पहले एक अच्छे से जूलॉजी का एक प्लस पॉइंट ये है कि जितनी अच्छी डायग्राम्स होंगी उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पहले एक अच्छे से डायग्राम प्लेस कर दी जाएगी और उसके बाद इसके एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव्स बताए जाएंगे। मीन्स डैट के कैसे है, क्या है, क्यों है एनालिडा, मीन क्या है, क्यों है, ये सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा इनके, दे हैव मेटामेरिक बॉडी, बायलेटरल सिमेट्री, वर्म लाइक प्रेजेंट। मेटामेरिक के बारे में आपको मैं मजीद आगे फर्दर क्वेश्चन में, यही टॉपिक है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो डॉर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट है। उसके बाद इनमें बहुत प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया सिस्टम पाया जाता है। सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होता है। उसके बाद इनमें सेगमेंट्स, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनका हर सेगमेंट का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है अपना। अब आ जाती है बात रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि एनालिड्स आर प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम मतलब कि इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में माउथ की डेवलपमेंट सबसे पहले होती है। एम्ब्रियो में सबसे पहले माउथ की डेवलपमेंट होती है और उसके बाद फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा प्रोटोस्टोम की, दे हैव स्पाइरल क्लेवेज, दे हैव शिजोसोइलस सिलोम फॉर्मेशन, दे डेवलप ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा आर प्रेजेंट इन मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। अब इनके हाइपोथेसिस के बारे में बात आ जाती है कि हाइपोथेसिस के इनकी ओरिगन की बेस पे कि इनके जो सिलोम है इनका ओरिजिन क्या है, सिलोम इन कैविटी इनकी कैसी है और कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो दो हाइपोथेसिस बताए गए, एक तो शिजोसोइलस ओरिगन और एंटीरोसोइलस ओरिगन। तो पहले शिजोसोइलस के बारे में बात कर लेते हैं। शिजोसोइलस ओरिगन, शिजोसोइलस मीन्स डैट के मीजोडम से फर्दर एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट स्टार्ट हो रही है एंड ये जो प्रोसेस ये पाया जाता है फ्लैट वर्म में। तो इसका ये एक हाइपोथेसिस है कि एनालिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट फ्लैटवर्म स्टॉक। सेकंड वन इज एंटीरोसोइलस ओरिगन। एंटीरो मींस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है बट इसका एक स्पेसिफिक ओरिगन भी है जो बाद में भी देखा जा सकता है। सिलोम ओरिगन टू इन एंटीरोसोइलस, इट मींस डैट The ancient diploblastic animals are ancestor of annelids. Similarly, the acoelomate animals have derived from coelomate animals. ये सारी बातें एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन में आपने इनके राइट कर देनी है। उसके बाद अब जो है हमारा टॉपिक मेटामेरिज्म, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेटा को पार्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो मेटा मीन्स आफ्टर, मेयर मीन पार्ट्स। हम लोगों ने अर्थवर्म को देखा होगा, वर्म्स उनकी एक सेपरेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हर थोड़ी देर बाद एक सेपरेट रीजन आ जाता है, मतलब एक सीरीज ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको आप लोग ऑब्जर्व करते हो। ये जिस तरह से इनकी मॉर्फोलॉजी है ऐसे ही इनकी एनाटॉमी है, इनकी अलग से ही इसी तरह ही सेगमेंट में ही हर प्रोसेस एक्सक्रीशन डाइजेशन इसी परफॉर्म होता है। तो इसके प्रोसेस को आप लोग कहते हो इस तरह की अरेंजमेंट को, सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एन एनिमल इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनालिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इंक्लूड्स एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स। दिस अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद मेटामेरिज्म। देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द बॉडी, therefore each segment has its own excretory, nervous and circular structures. There are two related function metamerism: flexible sport, efficient locomotion. means compartmentalization के बारे में, मतलब खाने अलग अलग rings series कौन सी होंगी, इनके segments की अलग अलग खाने बने हुए हैं जिनका अपना nervous system है, अपना excretory
सर्कुलेटरी नर्वस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनका एर्थफॉर्म का एनालिट्स में ये फंक्शन इनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है और उनकी मूवमेंट में लोकोमोशन में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ मेटामेरिज्म की तरफ आ जाते हैं, तो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही होगी जिसमें आपको तीन किस्म की कैविटीज़ शो हो रही हैं। तो फर्स्ट जो ए है वो इसकी फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ मेटामेरिज्म की, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मीजोडर्म लेयर सेपरेट हो रही है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में। उसके बाद आगे टू कैविटीज़ इन ईच सेगमेंट फॉर्म, दो कैविटीज़ हर सेगमेंट में बनेंगी मीजोडर्म स्प्लिटिंग के साथ ऑन ईच साइड ऑफ द एंडोडर्म। थर्ड में दीज कैविटीज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये होगी इसकी डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटामेरिज्म प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबल सपोर्ट एफिशिएंट लोकोमोशन। अब ये जो फंक्शन है ये मेटामेरिक अरेंजमेंट सिलोम डिपेंड ऑन द मेटामेरिक अरेंजमेंट ऑफ द सिलोम। तो फर्स्टली ओरिगन ऑफ सिलोम, देन ओरिगन ऑफ मसल। ओरिगन ऑफ सिलोम, द बॉडी कैविटी ऑफ एनालिट्स अराइजेज बाय सेगमेंटल स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मीजोडर्म ऑक्यूपाइज द रीजन बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। ईच कैविटी इज इन लार्ज एंड इट फॉर्म्स अ डबल मेम्ब्रेन सेप्टम। दिस सेप्टम सेपरेट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ईच सिलोमिक स्पेस। इट आल्सो सेपरेट द डॉर्सल एंड वेंट्रल मेसेंट्रीज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओरिगन ऑफ मसल्स, मसल्स आर डिवेल्प फ्रॉम मीजोडर्मल लेयर ऑफ ईच सेगमेंट। A layer of circular muscle lies below the epidermis. A layer of longitudinal muscle is present just below the circular muscle. These muscles run between the septa that separate the each segment. Some polychaetes have oblique muscles. Elite also develop dorsoventral muscles. Now, इनके advantages क्या होंगे? एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटली अरेंज सिलोम्स एंड मसल्स, के इनकी अलग सिलोम से अलग इनकी मसल्स के ऐसे स्पेशल फंक्शन से क्या इनको एडवांटेज होगा? तो फर्स्ट इनको ये होगा कि इनकी सिलोमिक स्पेस और मसल प्रोड्यूस हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट। सिलोमिक हाइड्रोस्टेकेलिटन हैज़ मैनी एडवांटेजेस, इट हैज़ लोकोमोटरी एंड स्पोर्टिव फंक्शन। The function is not possible in non-metameric animals that have a hydrostatic skeleton. Each segment is controlled independently of other segment. The muscle and act as antagonistic pairs within a segment. The synovial fluid provides a hydrostatic skeleton. The muscle operate against it. These arrangement cause swimming, crawling and burrowing. Second advantage is इसको ये होगा कि इनको injury का impact कम होगा, और वन और फ्यू सेगमेंट्स इंजर्ड हो जाएं अगर तो एडजेसेंट सेगमेंट आर सेपरेट फ्रॉम इंजर्ड सेगमेंट बाय सेप्टा। सेप्टा के थ्रू जो एडजेसेंट सेगमेंट्स हैं वो सेपरेट इंजर्ड सेगमेंट से जो जख्मी सेगमेंट है उसे सेपरेट हो सकते हैं। देयर आर एबल टू मेंटेन नियरली नॉर्मल फंक्शन, इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। जब आपका इंजर्ड पार्ट सेपरेट भी हो सकता है तो फिर इस तरह से आपके सर्वाइवल के चांस भी ज़्यादा हैं। उसके बाद मेटामेरिक काज मॉडिफिकेशन इन सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन। जब स्पेशलाइजेशन हो जाए हर बॉडी ऑफ रीजन की, बॉडी रीजन की मेटामेरिक एनिमल्स में, तो इसको आप कहते हो टैगमेंटाइजेशन। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म और का जो प्रोसेस है एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स में सिमिलर है? तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि टैगमेंटाइजेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेटामेरिज्म मेटामेरिक एनिमल्स में हर रीजन स्पेशलाइज्ड हो जाए तो ऐसे को आप कहोगे टैगमेटाइजेशन। तो टैगमेटाइजेशन डिवेल्प होती है सबसे अच्छी आर्थ्रोपोड में, लेकिन कुछ एनिमल जो उनसे हैं वो इस टैगमेटाइजेशन को भी डिवेल्प करते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सेम इंसेस्टर से भी डिवेल्प हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। अदर इनकी कॉमन फीचर जो है आर्थ्रोपोड एनालिट का वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, बायलेटरल सिमेट्री, उनके बाद वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो
अगर आप देखें कॉमन इंसेस्टर्स को शो करती हैं और उसके बाद इनके इंसेस्टर में भी मैरीन वर्म लाइक बायलेटरल एनिमल्स। अब आगे आपको एक डायग्राम शो हो रही है जिसको आपने अपने पेपर में ड्रॉ करना है। ये है एनालिट की एनाटॉमी, जिसमें हर एक एक पार्ट्स को बताया गया है कि ये एपिडर्मस लेयर है, ये आपके पास इसके मसल्स हैं, उसके बाद क्यूटिकल आउटर लेयर में जो क्यूटिकल है वो भी प्रेजेंट है, ये भी आपको शो हो रहा है। इसके बाद आप लोग इसको मज़ीद अपने क्वेश्चन को एलैबोरेट करने के लिए, मज़ीद आप अपने क्वेश्चन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आप बताओगे, इंट्रो दोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिट्स का, मींस के एनालिट्स की कितनी क्लासेस हैं और कहाँ पर मेटामेरिज्म का प्रोसेस जो है उनके लिए एडवांटेज है और कैसे उनकी लाइफ को है मज़ीद बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि एनालिट्स की 3 क्लासेस हैं। फाइलम एनालिटा की 3 क्लासेस हैं, क्लास पोलिचिटा, ओलिगोचिटा, हिरोडिना। इनकी आप लोगों ने ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें थ्योरी लिखें, जितनी अच्छी डायग्राम होगी उतना ही अच्छा जूलॉजी का पेपर अटैम्प्ट होगा। तो पहले आप लोगों ने इसकी लोकोमोशन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रो देना है, फिर एक अच्छे से डायग्राम, देन इसके बाद आप लोगों ने इसका गैस एक्सचेंज, रेस्पायरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, ये आपने 4 पॉइंट्स को अगर आपने डिफाइन कर दिया सिंपल एक लाइन में और अच्छे से डायग्राम के साथ, तो आपका क्वेश्चन गुड हो जाएगा। थैंक यू।